गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर को लड़कियों के शराब पीने से डर लगता है। राज्य की यूथ संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं अब डरने लगा हूं क्योंकि लड़कियों ने भी बियर पीना शुरू कर दिया है। पारिकर ने कहा, मैं सभी लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन लोगों के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूं जो यहाँ बैठे हैं। यूथ संसद राज्य की विधानमंडल विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री का यह भी कहना था कि नशीले पदार्थों का राज्य के कॉलेजों में बहुत कम चलन है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ड्रग कारोबार करने वाले अपराधियों की धरपकड़ जारी है और यह तब तक चलती रहेगी जब तक राज्य में ड्रग्स को राज्य से पूरी तरह ख़त्म नहीं कर लिया जाता। उन्होंने कहा, मुझे इस पर विश्वास नहीं है कि यह पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। मुझे यह लगता है कि राज्य के कॉलेजों में नशीले पदार्थों का चलन कम है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि ड्रग्स अपराधियों पर सख्त कार्रवाई किया जाए। पारिकर ने बताया कि अब तक इन मामलों में 170 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा, कानून के मुताबिक अगर कोई थोड़ी मात्रा में ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है तो उसे 8 से 15 दिनों में जमानत मिल जाती है। हमारी न्यायपालिका भी नरमी बरत रही है। हालांकि दोषी पकड़े जाते हैं। बेरोजगारी मुद्दे पर पारिकर ने कहा कि गोवा में युवा मेहनत करने से कतरा रहे हैं। क्लर्क की नौकरी के लिए लंबी लंबी लाइनें इसलिए लगती है क्योंकि लोग कठिन मेहनत नहीं करना चाहते। लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी का मतलब है कि कोई काम न करना। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.janprahari.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।